सो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्टी टेक। गाइस, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दे रहा हूं जिसमें कोई ब्राउजर नहीं है, सिर्फ इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, तो क्या आप उस कंप्यूटर में, उस सिस्टम में कोई वेबसाइट ओपन कर सकते हैं? आपका जवाब मोस्टली यही होगा कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई ब्राउजर ही नहीं, तो आप कोई वेबसाइट कैसे ओपन कर पाएंगे? आपके पास ना गूगल क्रोम है, ना माइक्रोसॉफ्ट एज है, ना इंटरनेट एक्सप्लोरर है। अगर कोई भी ब्राउजर नहीं है, फिर आप कैसे ओपन करेंगे, सोचिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही एक ट्रिक बताने वाला हूं कि सपोज अगर आपका भविष्य में या फिर आज के बाद कभी भी किसी ऐसे सिस्टम से सामना होता है जिसमें कोई ब्राउजर नहीं है और आपको अर्जेंटली कोई वेबसाइट ओपन करनी है, तो आप वो कैसे ओपन कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। या फिर सपोज आप अपने दोस्तों के बीच धौंस जमाना चाहते हैं और उसको चैलेंज करना चाहते हैं कि भाई तू कोई वेबसाइट ओपन करके बता, लेकिन बिना ब्राउजर का यूज किए। तो गाइज, यहां पर इस वीडियो में जो ट्रिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है विंडोज सिस्टम के लिए, ठीक है। हम यहां पे किसी ब्राउजर का यूज नहीं करेंगे और डायरेक्ट वेबसाइट ओपन करेंगे, ठीक है। कई बार ये ट्रिक काम आ जाती है क्योंकि कई बार कुछ सिस्टम्स में ब्राउजर्स हटाए हुए होते हैं, क्योंकि वो सिस्टम सिर्फ इसलिए डिजाइन किए हुए होते हैं कि आप सिर्फ उन सिस्टम को एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए यूज कर सकें। तो यहां पर आपको इस ट्रिक को यूज करने के लिए जस्ट विंडो प्लस आर दबाना होगा, रन कमांड में जाना होगा। यहां पर हम विंडोज के एक ऐसे हिडन फीचर का यूज लेने वाले हैं जिसका नाम होता है HTML help, ठीक है। उस फीचर को यूज लेने के लिए आप रन कमांड में टाइप करेंगे HH, ठीक है, H फॉर HTML और दूसरा H मतलब help, ठीक है, HH और उसके बाद एक स्पेस देंगे। देन इसके बाद जो आपको वेबसाइट ओपन करनी है, ठीक है, सपोज आपके सिस्टम में कोई ब्राउजर नहीं और आपको वेबसाइट ओपन करनी है, उसका एड्रेस यहां पे लिखेंगे विद HTTP, ठीक है। सपोज मुझे यहां पे गूगल ओपन करना है, HTTP, ठीक है, उसके बाद कॉलन, देन डबल स्लैश, देन उसके बाद उस वेबसाइट का एड्रेस लाइक दिस, www.google.co.in या फिर .com, जो भी आप ओपन करना चाहते हैं, जस्ट आपको ये लिखना है। यानी कि आपको यहाँ पे सबसे पहले यूज लेना है HH, देन उसके बाद एक स्पेस, और उसके बाद जो भी वेबसाइट आप ओपन करना चाहते हैं, खास तौर से इसमें आप वो वेबसाइट बहुत अच्छे से ओपन कर पाएंगे जो HTML बेस्ड है, यानी कि आप रीडिंग पर्पज से यहाँ पे ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको कोई रीड करना है, कोई आर्टिकल रीड करना है, आप डायरेक्टली उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पर आपको ये एड्रेस लिखना है और ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर वेब पेज ओपन हो गया और HTML help का यहाँ पे पेज ओपन हो गया, ठीक है। इस वेब पेज को आप ओपन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये जस्ट एक HTML बेस्ड वेब पेज है, इसमें किसी तरह की एनिमेटेड स्क्रिप्ट यहाँ पे वर्क नहीं करेगी प्रॉपर तरीके से, तो जस्ट इससे बहुत ज्यादा आप आशा नहीं लगा सकते। जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर आएगा क्योंकि स्क्रिप्ट इस फीचर को सपोर्ट नहीं करती, तो आप जस्ट यहाँ पे यस करते रहेंगे और इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, यानी कि आप कंटेंट एक्सेस कर पाएंगे, रीड भी कर पाएंगे। सपोज आप देख सकते हैं मैं अपनी यहाँ पे वेबसाइट भी ओपन कर पाऊंगा, आप देख सकते हैं bustoday.net, ठीक है, देख सकते हैं वेबसाइट भी यहां पर ओपन हो गई है। तो यहां पर मैंने किसी ब्राउजर का एक्सेस नहीं किया है, ठीक है, और डायरेक्ट मैं यहां पर बिना किसी ब्राउजर के वेबसाइट ओपन कर पा रहा हूं, ठीक है। मुझे कोई आर्टिकल यहां पर पढ़ना है, मैं इजीली पढ़ पाऊंगा, जो भी मुझे टास्क करना कर पाऊंगा। इसी तरीके से आप विकिपीडिया वगैरह के पेज भी ओपन कर सकते हैं, सपोज wikipedia.com, इस तरीके से आप विकिपीडिया के पेज भी ओपन कर सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर ब्राउजर का यूज नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पे वेब पेज ओपन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने विकिपीडिया का पेज यहाँ पे ओपन ले लिया और मुझे कोई आर्टिकल यहाँ पे पढ़ना है सपोज इस तरीके से, तो मैं उसको यहाँ पे सर्च कर दूंगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आर्टिकल यहाँ पे सर्च होके आ गया और इस आर्टिकल को हम यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, एक बहुत ही खास तरीका है बिना किसी वेब ब्राउजर के इंटरनेट को यूज करने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, जानकारी शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। बहुत ही अनोखी और इंटरेस्टिंग ट्रिक है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।